होली मिलन समारोह के नाम पर आम आदमी पार्टी की कुरुक्षेत्र इकाई ने आज अपना शक्ति प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के नेता जगवीर सिंह जोगना खेड़ा ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें फूलों की होली खेली गई और होली खेलने के लिए हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता व जनता और आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता, अशोक तंवर और चित्रा सरवारा सहित बड़ी लीडरशिप मौजूद रही। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से निशाना बनाया गया केंद्र और राज्य सरकार को। सबसे पहले सुशील गुप्ता ने बोलते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर जन विरोधी होने का आरोप लगाया, साथ ही दिल्ली के दो मंत्रियों के जेल में थूसने के लिए मोदी सरकार को दोषी ठहराया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जिन्होंने दिल्ली के हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाया, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाया, हर हॉस्पिटल को एयर कंडीशन कर दिया, मेडिकल व्यवस्था के अंदर आमूलचूल परिवर्तन किया, उनकी बढ़ती लोकप्रियता को रोकने के लिए उनको अंदर डाल के नरेंद्र मोदी जी ने होली खेली, उसका उस होली का गुलाल 2024 में हिंदुस्तान की जनता लगाएगी और वो भी बदलाव आएगा, देश विकास की तरफ बढ़ेगा। मैं आज हरियाणा की एजुकेशन व्यवस्था के ऊपर मैं बोला था, प्रथम फाउंडेशन एजुकेशन सोसाइटी ने एक सर्वे किया हरियाणा के 20 जिलों के अंदर, गांव में 75% स्कूलों के अंदर कंप्यूटर नहीं है, 28% स्कूलों के अंदर शौचालय की सुविधा नहीं है, यूजेबल शौचालय, 10% स्कूलों के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, 48% स्कूलों के अंदर फिजिकल एजुकेशन टीचर नहीं है, 10 में से 9 स्कूलों में साइंस विषय पढ़ाने की सुविधा नहीं है, अध्यापकों की भारी कमी है, बच्चों को आजादी के 75 साल बाद भी बेंचों के बजाय टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ना पड़ता है। यही व्यवस्था हेल्थ सेक्टर की भी है। महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं, वृद्धों के लिए पेंशन की व्यवस्था नहीं। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक तंवर ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों को देश के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि जितनी हमारी राजनीतिक विरोधी भाजपा है, उतने ही हमारी राजनीतिक विरोधी कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेताओं की गर्दन में रॉड है, ऐसे में इन नेताओं की रॉड जनता ही निकालेगी। और जगवीर जी ने कुछ दिन पहले, सबसे पहले तो मैं गुप्ता जी को ये बताऊंगा, आज गुप्ता जी के और हमारे बहुत व्यस्त कार्यक्रम थे दोनों के ही, लेकिन मैं तो भाई जगवीर मेरे को कहेगा एक दिन में मैं तो एक साल रह सकता हूँ कुरुक्षेत्र में, लेकिन एक बहुत सकारात्मक व्यक्तित्व है। जब से हम एक दूसरे को जानने लगे, 10-15 साल का समय बीत गया धीरे धीरे, ये उस समय यूथ की राजनीति करते थे, हम मेन कांग्रेस की सड़क पर संघर्ष करते थे, उस समय से लेकर के आज तक मैं देख रहा हूँ। जानिए इन्होंने कुछ दिन पहले जब ये कहा कि ऐसे ऐसे मैं सारे साथियों को, जो परिवार के सदस्य हैं, जो मेरे दुख सुख के साथी हैं, उनके साथ मैं होली मिलन का प्रोग्राम रखना चाहता हूँ, तो मैंने कहा रखो भाई, बहुत बढ़िया बात है, ये तो मधुर मिलन है, सब होली का त्योहार है, और वैसे भी कहते हैं कि होली के दिन गले मिल जाते हैं और रंगों में रंग मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके का गाना है, सब चीजें भूल करके ईर्ष्या द्वेष से, और ये तो परिवार को जब आप इकट्ठे कर रहे हो तो और बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने कहा जी मैं इनवाइट तो सबको कर लिया, लेकिन एक एक बार आपको भी सबसे बात करनी पड़ेगी, तो गुप्ता जी को हमने रिक्वेस्ट करी। गुप्ता जी आज इनके करनाल भी, पानीपत भी और जगह भी, और आगे गुड़गांव के चुनाव चल रहे हैं और वहां लगातार
रोज मीटिंगें हो रही है, वहां भी कई होली मिलन प्रोग्राम आज हो रहे हैं। तो उसके बीच में हमने कहा जी जगबीर जी का खास एक अनुरोध है और वो सबको ये चाहते हैं कि भाई सारे लोग जो है परिवार के सदस्य वो एक साथ जरूर दिखने चाहिए। तो उन्होंने हमसे आग्रह किया और मैंने जो है गुप्ता जी से आग्रह किया, उन्होंने स्वीकार किया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। और मैं तो हम आज उनको सुनना चाहेंगे। एक तरफ तानाशाही सरकार लगातार अपनी दमनकारी नीतियाँ, चाहे वो जनता के ऊपर दमन की नीतियाँ हों, ईडी CBI तमाम दूसरी संस्थाएं अपने विरोधियों के ऊपर हो, महंगाई की मार हो, भ्रष्टाचार की मार हो, लोगों को बांटने का मामला हो, तो ऐसे में कहाँ होली जितनी अच्छी लगनी चाहिए वैसी कहाँ अच्छी लगती है। लेकिन हम मिलकर के संघर्ष करेंगे। आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो एक लड़ाई लड़ी तमाम इन मुद्दों की, एक नई सोच उन्होंने दी। आज ही अखबार में भी आप लोग सब लोगों ने पढ़ा होगा कि हरियाणा के अंदर एक सर्वे आया, प्रथम एक शिक्षण संस्थान उसका एक फाउंडेशन है और वो सर्वे करते हैं एजुकेशन में, पूरे देश में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि किस किस तरीके से 75% स्कूलों के अंदर हमारे कंप्यूटर नहीं है, बच्चे क्या पढ़ाई करेंगे, पीने का पानी वो करीबन 15% स्कूलों में पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, टीचर्स का अभाव है, 10-10 स्कूलों में एक स्कूल के अंदर सिर्फ साइंस मामला है, साइंस की पढ़ाई होती है। गुप्ता जी और डिटेल में बताएंगे। लेकिन ऐसी जहां पर व्यवस्था हो, जहां पर चिकित्सा के पुख्ता इंतजाम ना हो, जहां नौजवानों को रोजगार ना मिले पढ़ने के बाद, जहां पर कर्मचारियों से उनके हक छीन लिए हो, अभी आप सब लोग देख रहे हो लगातार, मैं कल ही फरीदाबाद में गया था, वहां सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से हर जिले के अंदर वहां पर धरना लगाया गया है। और वो साथी आप सब जानते हैं इस बात को कि जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसको खत्म कर दिया गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता चित्रा सरवारा ने भी प्रदेश सरकार को घेरते हुए उसे जनविरोधी बताया, साथ ही जगबीर जोगना खेड़ा को इस सफल आयोजन के लिए बधाई भी दी। और एक बड़ा खूबसूरत ख्याल लेके जब पहली बार चर्चा चली कि होली का दिन है, हमने एक नई शुरुआत करनी है, हर कोई जानता है आज की तारीख में संगठन हमारा नहीं रेडी है, लेकिन आज आपने इस कार्यक्रम से जो पहल कर दी, ये पहल अब पूरे हरियाणा में हर विधानसभा में होगी, होली मिलन का कार्यक्रम हर विधानसभा में होगा। और आपने आज ये दर्शाया है कि परिवार को और साथियों को और एक पार्टी को और विचारधाराओं को पदों की नहीं, लोगों की जरूरत होती है, जब तक वो साथ हैं तब तक हम सब इकट्ठे हैं। मैं आज यही कहूंगी कि बहुत सी बातें हमारे भाई ने उठाई, आज शायद राजनीति से भी ऊपर बढ़कर एक भविष्य की हमें बात करनी है, एक नया आगाज करना है, मौसम बदल रहा है और हम कहेंगे होलिका दहन जब होता है तो होलिका भी कहानी एक ऐसी बुआ की थी जिसने बच्चे को गोद में लेके आग में बैठ गई थी ये सोचकर कि बच्चे जल जाएंगे, लेकिन बच्चे को जो था भगवान का आशीर्वाद रहा। और जो कुनीति थी, जो दुर्नीति थी, जो एक बुरा ख्याल था, वो जल गया था इस होलिका के अंदर। और हम चाहेंगे आज हमारे आदरणीय जो प्रभारी हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, कुछ चर्चा वो आने से पहले बच्चों को लेकर और उनकी शिक्षा को लेकर भी कर रहे थे, तो किस तरह से शायद एक होलिका दहन हरियाणा में भी होएगा और किस तरह से एक चिराग की योजना में जो हमारे भविष्य बच्चों का भविष्य जलाने की भाजपा तैयारी कर रही है उसमें वो पूरी तरह से विफल रहेगी, क्योंकि केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी का काम और उनकी नीति एक दिन यहाँ पर हम जमीन पर लेकर आएंगे। मैं यही कहूँगी बहुत खूबसूरत पर्व है, बहुत ही उम्दा कार्यक्रम के लिए, बहुत एक जोरदार प्रदर्शन के लिए हमारे भाई जगबीर जी को, उनके साथियों को और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजक जगबीर सिंह जोगना खेड़ा ने आम आदमी पार्टी के आए हुए नेताओं का और हजारों की संख्या में मौजूद जन सैलाब का धन्यवाद प्रकट किया। और मेरे में पूरी टीम के मन में एक विचार था कि हम थानेश्वर के अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करें, हमने कई बार चर्चा भी करी
तो सभी के मुंह से होली शब्द निकला। सभी ने कहा कि होली से कोई अच्छा दिन नहीं हो सकता, कोई अच्छा त्योहार नहीं हो सकता, क्योंकि इस दिन कोई आपस में मन मटाव होता है वो भी दूर हो जाता है। हम सभी ने इस दिन को फाइनल किया, इस तरह से होली मिलन समारोह का प्रोग्राम पार चढ़ा सिरे चढ़ा, जिसकी शोभा बढ़ाने के लिए आप सभी लोग यहां आए। साथियों, मैं मानता हूं कि थानेश्वर हमारा परिवार है, थानेश्वर का हर व्यक्ति हमारा परिवार का सदस्य है, और अपने परिवार में बैठकर ही चर्चा की जाती है कि क्या सही है और क्या गलत है। हम सभी ने यही कारण है कि अपने परिवार को इकट्ठा किया, क्योंकि थानेश्वर बदहाल है, सड़कें बदहाल हैं, स्कूल बदहाल हैं, अस्पताल बदहाल हैं, मार्केट कमेटी बदहाल है, सेक्रेटरिएट बदहाल है। तो साथियों, बनता है कि हम क्यों नहीं इकट्ठे बैठकर कोई रणनीति तैयार करें, कोई फैसला लें। साथियों, आप किसी से छुपा हुआ नहीं है, हमारी म्युनिसिपल कमेटी के हालात आज कुरुक्षेत्र में राजनीतिक रूप से दो होली मिलन समारोह हुए, एक भारतीय जनता पार्टी ने किया, दूसरा आम आदमी पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी के होली मिलन समारोह में स्कूल की बसों में गांव से लोग लाए गए थे, कार्यक्रम हुआ धूमधाम से मनाया गया। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में लोग अपनी मोटरसाइकिलों पर, अपनी बाइकों पर, अपनी कारों में आए। हालांकि दोनों जगह धूमधाम से होली मनाई गई, फूल बरसाए गए, लेकिन होली का रंग आम आदमी पार्टी के नेता चढ़ाने में कामयाब रहते हैं या भारतीय जनता पार्टी के, इस समय बताएगा। लेकिन फिलहाल होली के अवसर पर राजनीतिक दल भी होली मिलन समारोह के बहाने लोगों पर अपना रंग छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। रिपोर्ट, चंद्र प्रकाश।